This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की चेकिंग टीम व पुलिस द्वारा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऐसे में रविवार रात को सुलह विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में आदर्श चुनाव संहिता का किसी तरह से उल्लंघन ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हर संदिग्ध लोगों व वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस आचार संहिता के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सुलह नालटी सड़क मार्ग पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। सर नमस्कार जी, दिव्य हिमाचल टीवी में सर आपका स्वागत है। सर जिस तरह चुनावों को जो बिगुल बज चुका है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जगह जगह पे जो है मतलब हर एक इसमें जो चेकिंग की जा रही है दस्तों द्वारा, इसको इस संदर्भ को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं जी, जिसके अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहा है जी। और जिसमें विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जैसे कि हमारी जो टीम है वो है स्टैटिक सर्विलेंस टीम, जो कि नाकों में गाड़ियों की चेकिंग करती है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई कैश तो नहीं जा रहा है इलीगल तरीके से, या फिर लिक्वर है, या और कोई जैसे आर्म्स एम्यूनिशन है, हथियार हैं, या कोई ड्रग्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ों पे हम नज़र रख रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम जस्सू स्थान पर हैं, जो कि सुला विधानसभा के अंतर्गत आता है जी सर। और अभी हम हमारी टीम है, आप देख रहे हैं, अभी हम नाके पे खड़े हैं और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। तो अभी तक हम पिछले 10-12 दिन से रेगुलरली सुबह शाम या दिन में भी नाका लगा के गाड़ियों की तलाशी कर रहे हैं जी। और इसका जो मकसद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि ताकि जो चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें कोई धांधली ना हो, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि कोई गैरकानूनी गतिविधि ना हो और जो चुनाव है वो अच्छे से संपन्न हो सके। सर फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा मामला हमारे इस सुलह विधानसभा क्षेत्र के मतलब इसमें कोई अब तक ऐसा कोई मामला तो नहीं आया इसमें कोई कि नकदी वगैरह या कोई लिक्विड वगैरह उसमें कोई पकड़ा गया हो? नहीं, अभी तक जब से हम पिछले कई दिनों से नाका लगा रहे हैं तो अभी तक ऐसी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है जो कि संदिग्ध हो या गैरकानूनी रूप से ले जाई जा रही हो, लेकिन हम सुबह शाम पूरे एहतियात के साथ काम कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अभी तक शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ? हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और हम पूरी मुस्तैदी से हमारी टीम काम कर रही है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस भी हैं जी सर। और अगर ऐसा कुछ कोई मामला प्रकाश में आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुलह से साहिल कुमार की रिपोर्ट। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए, आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी, वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5,000 स्क्वेयर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सेकंड, उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलना, आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे।